हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। मार्केट में अवेलेबल सबसे फास्ट चार्जर है कौन सा? वॉक चार्ज, डैश चार्ज या फिर 27 वॉट का जो अभी एमआई ने रीसेंट में सुपर फास्ट चार्जर लॉन्च किया वो है। तो आज हम आपको यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करके बताने वाले हैं कि ये तीनों में कितना आपको चार्जिंग टाइम मिलेगा, यानी कि ये तीनों का एल्गोरिदम किस तरह का वर्क कर रहा है, कौन सा चार्जर सबसे पहले चार्ज कर रहा है डिवाइस को। यहाँ पे हम तीनों ही चार्जर के सपोर्टेड डिवाइस यूज करेंगे। जैसे कि 27 वॉट फास्ट चार्जिंग के लिए हम रेडमी K20 प्रो यूज कर रहे हैं, डैश चार्ज के लिए OnePlus 7 यूज कर रहे हैं और वॉक चार्ज 3.0 के लिए Realme 3 Pro यूज कर रहे हैं। यानी कि तीनों ही अलग अलग तरह के चार्जिंग टेक्निक सपोर्ट करते हैं और तीनों ही काफी फास्ट चार्ज करते हैं, तो तीनों के बीच में कंपैरिजन जरूर बनता है। तो वो हम आपको करके बता रहे हैं कि ये तीनों में से कौन सा डिवाइस सबसे फास्ट चार्ज आपको दे रहा है बिना मोबाइल को हीट किए या ओवर हीट किए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे तीनों ही चार्जर के पावर आउटपुट की बात करें तो 27 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर जो आपको MI की वेबसाइट या MI स्टोर में मिल जाता है, यहाँ पे आपको तीन तरह के आउटपुट मिल रहा है। 5 वोल्ट 3 एम्पियर का जो आपको 15 वॉट का आउटपुट दे रहा है, 9 वोल्ट 3 एम्पियर जो आपको 27 वॉट का आउटपुट दे रहा है और 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर जो आपको 27 वॉट का आउटपुट दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे डैश चार्जर की बात करें तो डैश चार्ज और वोक चार्ज दोनों ही एक ही तरह की टेक्निक है, जिसमें वोल्टेज नहीं बढ़ाया गया है। वोल्टेज को यहाँ पे 5 ही रखा गया है जैसा रेगुलर चार्जर में मिलता है। बस यहाँ पे जो बढ़ाया गया वो है इसका करंट। करंट को काफी बढ़ा दिया गया है, 4 एम्पियर तक करंट को ले जाया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपको पावर आउटपुट मिलेगा वो 20 वॉट का मिलेगा, लेकिन इसमें करंट को बढ़ाया। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे तीनों ही डिवाइस के बैटरी कैपेसिटी के डिफरेंस की बात करें तो Realme 3 Pro और K20 Pro ये दोनों में ही आपको 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, जबकि 3750 mAh बैटरी कैपेसिटी आपको OnePlus 7 में मिल रही है। तो यहाँ पे हम परसेंट वाइज तो देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ साथ कितने mAh ये चार्ज कर रहे हैं वो भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में भी चार्जिंग स्पीड में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे तीनों की डेटा केबल की बात करें या चार्जिंग केबल की बात करें तो तीनों में ही हमने 4 एम्पियर वाली केबल यूज करी, जिसमें OnePlus 7 और Realme 3 Pro दोनों में आपको 4 एम्पियर वाली केबल बॉक्स में मिल जाती है, जबकि K20 Pro में आपको 3 एम्पियर वाली अप्रोक्स 3 एम्पियर वाली केबल मिलती है। लेकिन हमने यहाँ टेस्ट को फेयर रखने के लिए तीनों में ही 4 एम्पियर वाली केबल यूज करी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीनों में चार्जिंग स्टार्ट कर दी थी सेम टाइम पे और 3 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 8% बैटरी कैपेसिटी जा चुकी है K20 Pro की, 5% है OnePlus 7 की और 4% है Realme 3 Pro की। यानी कि स्टार्टिंग में लीड करता हुआ अलग ही नजर आ रहा है K20 Pro। अगर हम यहाँ पर परसेंट चार्जिंग टाइम बताएं, यानी कि 1% को चार्ज करने में K20 Pro को 24 सेकंड लग रहे हैं, 36 सेकंड OnePlus 7 को लग रहे हैं और 46 सेकंड Realme 3 Pro को लग रहे हैं। 12 मिनट के बाद अगर हम आपको स्टेटस चेक करा दे तो 25%, 21% और 17%, यानी कि अभी भी K20 Pro लीड पर है। इसके साथ साथ टेम्परेचर मेजर करके दिखा दे तो आप देख सकते हैं 34 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है K20 Pro में, 33 डिग्री का जा रहा है OnePlus 7 में और 33 डिग्री का जा रहा है Realme 3 Pro में। नहीं, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है कंडीशन के हिसाब से, कोई मोबाइल अभी बिल्कुल हीट नहीं हुए हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 50% का चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके बताएं, यानी कि रेस करें 50% की, तो यहाँ पे जो डिवाइस सबसे पहले 50% तक पहुंचा है वो है K20 Pro। इवन K20 Pro में बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होने के बाद भी ये पहले पहुंचा है OnePlus 7 से 50%, जबकि OnePlus 7 जिसमें अप्रोक्स यहाँ पे 4-5% का डिफरेंस चल रहा था, अब वो कम होकर 1% का बचा, 49% है OnePlus 7 और 40% है Realme 3 Pro, और Realme 3 Pro ने भी यहाँ पे काफी बूस्ट ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे तीनों का ही परसेंट चार्जिंग टाइम बता दें तो 1% को चार्ज करने में 27 मिनट तक 33 सेकंड लगे हैं K20 Pro को, 32 सेकंड लगे हैं OnePlus 7 को और 39 सेकंड लगे, सबसे ज्यादा लगे हैं Realme 3 Pro को। तो ये चार्जिंग स्पीड काफी वेरी होगी, लेकिन लास्ट में जाके ये फाइनलाइज हो जाएगी। इसके बाद हम टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हुए चलेगा और हमें ये रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल गया, जिसमें OnePlus 7 ने 1% की लीड बना ली थी और धीरे धीरे ये लीड बढ़ते बढ़ते 3% की पहुंच गई। तो अगर हम यहाँ पे 47 मिनट के बाद तीनों का स्टेटस चेक करा दें तो 80% बैटरी कैपेसिटी पहुंच चुकी है K20 Pro की, जबकि 83% है OnePlus 7 की और 70% है Realme 3 Pro की। यानी कि सबसे पीछे अभी Realme 3 Pro चल रहा है और सबसे आगे OnePlus 7 चल रहा है और सेकंड रैंक पर है K20 Pro। ये हो गई परसेंटेज की बात। अगर हम यहाँ पे आपको mAh के टर्म्स में बताएं, यानी कि बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में बताएं, तो 3200 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर चुका है K20 Pro, जबकि 3071 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज किया है OnePlus 7 ने और 2800 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज किया है Realme 3 Pro ने। यानी कि देखा जाए तो बैटरी कैपेसिटी चार्ज करने के टर्म्स में K20 Pro लीड पर है, जबकि परसेंटेज के टर्म्स में OnePlus 7 लीड पर है। हम टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हुए चले गए, 53 मिनट हो चुके हैं, 87% चार्ज हो चुका है K20 Pro, 90% पहुंच चुका है OnePlus 7 और 81% पहुंच चुका है Realme 3 Pro। और Realme 3 Pro यहां पे अपने डिफरेंस को काफी कम करता हुआ जा रहा है। तो अब Realme
3 Pro और बाकी बचे हुए दोनों डिवाइसों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं बचा है। और अगर बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में देखें तो अभी भी बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में Redmi K20 Pro लीड पर है। फिर हम टेस्ट को और आगे परफॉर्म करते चले गए, क्योंकि ज्यादातर डिवाइसों में आपको 90% तक फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है, उसके बाद चार्जिंग स्पीड सभी की स्लो हो जाती है। तो 90% पहुंचने में K20 Pro को लग गए हैं 56 से 57 मिनट, जबकि Realme 3 Pro को लग गए 90% पहुंचने में 1 आवर 3 मिनट। यानी कि आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह का डिफरेंस आ रहा था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट चार्जिंग टाइम आपको बता दे सारे ही डिवाइसों का, 1 आवर 12 मिनट में 100% चार्ज हो गया OnePlus 7, जबकि 97% चार्ज हुआ है K20 Pro और 96% चार्ज हुआ है Realme 3 Pro। यानी कि Realme 3 Pro और बाकी बचे हुए दोनों डिवाइसों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं बचा है। एंड में आते आते आप देख सकते हैं काफी क्लोज आ चुका है Realme 3 Pro भी। और अगर बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में हम देखें तो 3880mAh के अप्रोक्स बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर चुका है K20 Pro, जबकि 3750mAh के अप्रोक्स बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर चुका है OnePlus 7 और 3840mAh के अप्रोक्स बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर चुका है Realme 3 Pro। यानी कि OnePlus 7 से आगे निकल चुका है बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में, यानी बैटरी कैपेसिटी चार्ज करने के टर्म्स में Realme 3 Pro, और K20 Pro यहां पे लीड पर है। यानी कि K20 Pro बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में लीड पर है, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में पीछे है। इसके बाद K20 Pro को कंप्लीट चार्ज होने में जो टाइम लग गया वो है 1 आवर 17 मिनट का। 1 आवर 17 मिनट में K20 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया, जबकि Realme 3 Pro को कंप्लीट चार्ज होने में जो टाइम लग गया वो है 1 आवर 20 मिनट का। यानी कि देखा जाए तो 5 मिनट का डिफरेंस आया है OnePlus 7 और K20 Pro के बीच में, लेकिन बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से K20 Pro यहां पे जल्दी चार्ज कर रहा है, यानी कि ज्यादा बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर रहा है कम टाइम पे। उसके बाद Realme 3 Pro ज्यादा बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर रहा है कम टाइम पे, और OnePlus 7 उसके बाद आता है बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में। लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो OnePlus 7 लीड पर है, सेकंड रैंक पर है K20 Pro और लास्ट रैंक पर है Realme 3 Pro। तो हमें तीनों के बीच में, यानी तीनों की चार्जिंग स्पीड में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का डिफरेंस कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों ही काफी फास्ट चार्जिंग टेक्निक है, जिसमें अलग अलग तरह की टेक्निक जरूर है, लेकिन 27 वॉट होने के बाद भी उतना ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं कर रहा है यहाँ पे K20 Pro जितना 27 वॉट वाले चार्जर को कंपैरिजन वाइज 20 वॉट वाले चार्जर के सामने करना चाहिए। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि तीनों ही चार्जर काफी इफेक्टिव है और काफी फास्ट चार्ज कर रहे हैं। तो आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से तीनों में से सबसे अच्छा वर्क किसने किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।